हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल अकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लास इंटर की मैथ। टॉपिक चल रहा है आपका अवकलनीयता, एक्सरसाइज है आपकी 5B। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 26 से, ठीक है। तो इसके पहले की क्लास में सवाल नंबर 25 तक पढ़ाया जा चुके हैं, तो सभी बच्चे एक बार पीछे की क्लास जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो 26 नंबर में लिखा है यक्स की पावर साइन इनवर्स यक्स लिखा है। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का भी अपन हो रहा है और यक्स का भी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे लॉग लेंगे। जब पावर और आधार का अवकलन होता है तो वहां पे क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा माना, ठीक है, वाई बराबर यक्स की पावर साइन इनवर्स। यहाँ पर दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, ठीक है, लॉग लेने पर ठीक ये हो जाएगा बेटा आपका लॉग वाई बराबर लॉग यक्स साइन इनवर्स यक्स। ओके, ये साइन इनवर्स एक्स आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग वाई बराबर साइन इनवर्स यक्स इनटू लॉग यक्स हो जाएगा। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, ये प्रथम पद और ये आपका सेकेंड पद, ठीक है। फार्मूला लग जाएगा इसमें जो अभी तक लगाते हुए आ रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 1/y dy/dx बराबर, ये प्रथम पद यानी आपका साइन इनवर्स प्रथम हो गया। फिर लगाएंगे इसमें d/dx और ये हो जाएगा log x प्लस, ये हो जाएगा log x d/dx साइन इनवर्स। ओके, आप सॉल्व करेंगे इसको, y का गुणा करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा dy/dx y का गुणा करा दिए, ऐसे तिरछे गुणा करा दिए। ओके, साइन इनवर्स x का नहीं कराएंगे तो इसको आप ऐसे ही नोट कर देंगे, log का कराएंगे तो 1/x आएगा। आगे प्लस लिखा है, प्लस लगाएंगे और ये log और जो x लिखा है यानी जो x लिखा है इसको ऐसा आप ऐसे लिख देंगे। साइन इनवर्स का फार्मूला ही होता है, क्या होता है, 1 - x² √1 / √1 - x² ही फार्मूला होता है। अब देखो क्या करना है, y के मान को यहाँ पे रख देना, तो y का मान क्या है आपका, y का मान x की पावर साइन इनवर्स x है, तो यहाँ पे रख देना है आपको x की पावर साइन इनवर्स x। अंदर देखो, अंदर बचा, ऊपर बचा आपका साइन इनवर्स x और नीचे बचा x प्लस, यहाँ पर हो जाएगा आपका log x और अपॉन में 1 - x², ठीक है। आप इसी को यही आंसर लिख देंगे और आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, कोई डाउट इस सवाल में किसी बच्चे को, कोई भी, तो ओके बेटा आप लोग से नोट कर लीजिए फिर देखने का सवाल। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 27, ठीक है। तो 27 नंबर में आपको यहाँ पे लिखा हुआ यक्स, यक्स की पावर यक्स इनटू कॉसेस, यानी यहाँ पर अवकलन हो रहा है वो भी लॉग लेकर, ओके, दोनों का अवकलन हो रहा है। यहाँ पर भी सेम है, ऊपर नीचे है, अपॉन में उसका भी फार्मूला होता है, तो दोनों जगह ले लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे, ठीक है, इसको मानना पहले मानना, ठीक है, इसको मान लिया y1, y1 बराबर क्या है, यक्स की पावर यक्स और cos x। इसी प्रकार जो y2 बराबर है वो हो जाएगा x² + 1 और x² - 1, ठीक है। तो समीकरण क्या बन जाएगा, वाई बराबर ये हो जाएगा बेटा यक्स और यक्स कॉस एक्स, ओके, नहीं नहीं यहाँ पे यक्स कॉस एक्स, यहाँ पे क्या माना आपने, वाई वन मानना है तो वाई वन लिख देना, यहाँ पे क्या मानना है, वाई टू मानना है। इतना करने के बाद आप यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर dy1/dx + dy2/dx और उसको समीकरण एक कर देना। ओके, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, ठीक। आगे आप सवाल को देखो, अब आपका जो सवाल लिखा है वो क्या लिखा है, y2, देखो y2 बराबर क्या दिया है, पहले y1 को सॉल्व कर दो, y1 बराबर दिया है x की पावर x और ये cos x दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें लॉग लेंगे तभी तो नीचे पावर में आएगा, तो यहाँ पे लिख देना बेटा दोनों पक्षों में लॉग लेने पर क्या,
लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका लॉग वाई वन बराबर लॉग एक्स की पावर एक्स और ये कॉस एक्स, ये हो जाएगा पावर में जो लिखा है एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लॉग वाई वन बराबर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ये हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है ये तो ऑलरेडी इंटू है, ठीक है तो ये क्या हो गया, ये प्रथम पद हो गया, ये आपका क्या हो गया सेकंड पद हो गया, ठीक। तो इसमें क्या लगा देंगे फार्मूला, क्योंकि एक्स के सापेक्ष आप अवकलन करने वाले हैं इसका, तो यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने, ठीक है तो ये हो जाएगा वन अपॉन वाई वन डी वाई वन अपॉन में डी एक्स बराबर, ये प्रथम पद क्या है एक्स कॉस एक्स प्रथम पद है, ठीक है फिर डी अपॉन डी एक्स और ये आपका लॉग एक्स सेकेंड पद, फिर प्लस लगाएंगे और सेकेंड पद यानी लॉग एक्स को लिखेंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स एक्स इन तो ये आपका, ठीक इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बेटा वन अपॉन वाई वन डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर, इसको देखो इसका कराते हैं अवकलन नहीं कराते हैं यहाँ पे, ठीक इसका अवकलन नहीं कराते हैं, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे कॉस एक्स, ओके अब लॉग एक्स का कराएंगे तो क्या आएगा वन अपॉन एक्स आएगा, ओके प्लस लगा है प्लस लगा देंगे, लॉग एक्स को आप ऐसे लिख देंगे, क्या करेंगे लॉग एक्स को ऐसे लिख देंगे, अब देखो यहाँ पर भी अवकलन करते समय में दो पद मिल गए ना, तो यहाँ पर फिर लगाएंगे हम लोग प्रथम और तृतीय का फॉर्मूला, यहाँ पर भी आपका कौन सा लगेगा प्रथम और तृतीय का फॉर्मूला, ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स एक्स का कुछ नहीं कराएंगे, फिर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स और बेटा ये लिख देंगे कॉस एक्स, ठीक है फिर प्लस लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स डी अपॉन में डी एक्स और ये आपका यहाँ पे वाई वन का गुणा करा देना डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर वाई वन का तिरछा गुणा करा दिया और ये एक्स आपका कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा कॉस एक्स प्लस लॉग आप ऐसे भी लिख लो, यहाँ पे एक्स ऐसे लिखा रहेगा कॉस का कराएंगे तो क्या होता है माइनस का साइन एक्स लिख देंगे, ओके अब यहाँ पे कॉस एक्स को आप ऐसे लिखा रहने देते हैं एक्स का कराएंगे तो वन आएगा गुणा कराएंगे तो आपका क्या आ जाएगा कॉस एक्स ही आ जाएगा, ओके ये ब्रैकेट आप ऐसे बंद कर देना और ठीक ये ब्रैकेट आपका ये पूरे ठीक हाँ ठीक है ठीक है ठीक है अब लॉग का गुणा करा देंगे अंदर, ओके तो यहाँ पर सब इधर देखो सब लोग अच्छे देखो पहले यहाँ पे आपका वाई वन का मान हो तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई वन के मान को रखेंगे तो एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स अंदर बचेगा आपका यहाँ पर बचेगा आपका गुणा करा देंगे तो ये बचाएगा बेटा कॉस एक्स, ओके और माइनस का यहाँ पर बच जाएगा एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, ओके और यहाँ पर बचेगा आपका प्लस का कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स आ जाएगा, इस कॉस का गुणा करा रहे हैं, ठीक है कॉस कॉस को अगर पास लेना चाहो तो आप पास में भी लिख सकते हो, ठीक एक्स की पावर एक्स और ये आप कॉस एक्स लिखेंगे, अब देखो क्या करना है इसको इसको अगर पास में लिखना चाहो तो पास में भी लिख सकते हो, ठीक है कॉस कॉस एक ये कॉस है एक ये कॉस है, कॉस कॉस को पास में लेंगे तो कॉस कॉमन, हाँ बिल्कुल कॉस को कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा यहाँ पर वन बचेगा, इसको पहले पास में लिखेंगे तो यहाँ पे वन बचेगा जब कॉस को ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा आपका लॉग एक्स और फिर माइनस का एक्स साइन और यहाँ पे एक्स है इंटू लॉग एक्स, ठीक है ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा द्वितीय, ठीक है ये समीकरण दो हो जाएगा। अब इसी प्रकार क्या करना है इसी प्रकार अब किसका करोगे आप लोग y2 का, तो y2 बराबर देखो क्या दिया है y2 बराबर आपका बेटा दिया है y2 बराबर क्या है ये, ठीक है ये बराबर लगा है यहाँ पर इसका y2 बराबर दिया है x स्क्वायर प्लस वन x स्क्वायर माइनस का वन दिया है, तो यहाँ पर भी लॉग लेंगे क्योंकि अपॉन में फार्मूला होता है लॉग m अपॉन में का फार्मूला क्या होता है आपका, ठीक ये फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे
दोनों पक्षों में लॉग है। देखो यहाँ पे लॉग भी ले सकते हो, बिना लॉग के भी सवाल कर सकते हो, ठीक है। तो लॉग अगर ले लेंगे तो लॉग वाई टू बराबर ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वन। लॉग ले लिए तो फार्मूला यहाँ पे लॉग का लगाएंगे तो यहाँ पे वाई टू बराबर ये हो जाएगा बेटा आपका लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस, यहाँ पे माइनस है हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही तो हो जाएगा। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करा देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन वाई टू, वन अपॉन वाई टू और डी वाई टू अपॉन में डी एक्स बराबर लॉग का क्या होता है वन अपॉन जो भी लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वन को लिख देंगे, आगे एक्स स्क्वायर का कराएंगे तो क्या आ जाएगा टू एक्स आ जाएगा, ओके। आगे माइनस लिखा है यहाँ पे कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, आगे कराएंगे तो यहाँ पर टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुणा कराने के बाद एक काम करिएगा यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे तो पहले तो वाई टू का इधर क्या कराएंगे तिर गुणा कराएंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको एलसीएम मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का वन एलसीएम मिलेगा, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन का हो जाएगा दो एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर माइनस का वन, माइनस यहाँ पर आपका टू एक्स लिखा है, अब एक्स स्क्वायर माइनस वन से कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का वन। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका डिवाइड टू अपॉन डी एक्स बराबर वाई टू, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे अंदर देखो गुणा कराएंगे यहाँ पे तो क्या बचेगा दो एक्स स्क्वायर नहीं क्यूब आएगा यहाँ पे क्योंकि इसकी पावर है, पावर टू पावर तीन हो जाएगा और यहाँ पे आएगा आपका दो एक्स माइनस, इसका गुणा कराएंगे दो एक्स क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का दो एक्स, नीचे नीचे देखो क्या आएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस भी लिखा है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की कट जाएगा क्या वाई का मान जो रखेंगे, ठीक है, जब वाई टू का मान रखेंगे तो कट जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख लो, ऐसा फार्मूला लगा सकते थे क्योंकि वाई टू का भी मान रखने वाले हैं, जो कैसे रखें पहले तो इसको इसको काट दो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे समीकरण आपका दो है बेटा, ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं ये लाइन पे, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई टू अपॉन डी एक्स बराबर वाई टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन ये है, ठीक है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन है, अंदर देखो क्या बचा अंदर बचा माइनस का टू एक्स माइनस नहीं नहीं माइनस का टू एक्स माइनस का टू एक्स क्या हो जाएगा माइनस का फोर एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का फोर एक्स, नीचे देखो यहाँ पर आपका लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन एक ब्रैकेट में और दूसरे में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का वन, ठीक, यहाँ से प्लस वाला कट जाएगा क्या बचेगा बेटा डिवाइड टू अपॉन डी एक्स बराबर ऊपर बचेगा माइनस का फोर एक्स, नीचे देखो ये दोनों चीज क्या है सेम है भाई, तो इसको आप क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ओके, कोई डाउट, तो इसे समीकरण आप तीन मान लीजिए, ठीक है, तो ओके आप लोग इतना नोट कर लीजिए फिर बताते हैं आगे, नोट कर लीजिए, ओके बेटा चलिए देखते हैं इसके आगे, ठीक है। देखो अब क्या किया आपने समीकरण दो निकाल लिया समीकरण तीन निकाल लिया, अब इन दोनों के मानों को कहाँ रखना है समीकरण एक में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण दो व समीकरण तीन का मान समीकरण एक में रखने पर, एक समीकरण क्या है आपको याद है समीकरण एक क्या था लिखे दे रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये समीकरण एक स्टार्टिंग में ही बनवाया गया था, ठीक है, यही वाला यहाँ पे रख देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये इसकी जगह पे क्या है ये है ठीक है, इसको रख देंगे क्या है आपका यक्स यक्स कॉज यक्स प्लस अंदर है आपका कॉज यक्स वन प्लस लॉग यक्स माइनस का यक्स और साइन यक्स और लॉग यक्स, ओके। अब यहाँ पे क्या है डिवाइड टू पॉइंट डी एक्स क्या है डिवाइड टू पॉइंट डी एक्स क्या निकला है माइनस का, वैसे तो यहाँ प्लस लगाते हैं लेकिन वहां माइनस में क्या हो जाएगा माइनस का
फोर एक्स नीचे आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 27 नंबर के सवाल का, ठीक है। बताइए कोई डाउट इस सवाल में कहीं पर भी, तो ओके बच्चा आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर देखते हैं आगे सवाल, ठीक है बेटा। लेकिन सब बच्चे नोट करते जरूर से लेंगे, ठीक है, ओके ओके बेटा। चलिए देखते हैं सवाल आगे, ठीक है। आगे आपका 28 और 29 लिखा हुआ है, ठीक है। 28 नंबर और 29 नंबर सवाल, दोनों में जो दोनों है क्या है आपके सवाल सेम है, क्या है सेम है, उसमें से एक बताएंगे और एक आपका होमवर्क रहेगा, नहीं आएगा तो कल की क्लास में बताएंगे। अब आप बताओ 28 29 में से कौन सा बताएं, 28 29 28 जल्दी जिसके हाथ खड़ा करो, एक बार खड़ा करो 28 में, एक बार खड़ा करो 29 में, ठीक है, एक बार खड़ा करेंगे 28 में 28 29 में खड़ा करो, बाकी जो लोग नहीं खड़ा कर रहे हैं वो खड़ा करो चाहे जिस सवाल में 29 1 2, ठीक है, 29 में ज्यादा लोग हैं, ठीक है, तो 29 देख लो, अगर 28 नहीं आता है तो आप लोग कल बताएंगे तो कल की क्लास में बता देंगे, ठीक है। सेम होगा बेटा, एक ज्यादा ही तो वन दे दिया है। अच्छा अब 29 28 डिफरेंट क्या देखो, अच्छा ठीक, एक मिनट देखो, ये वाई बराबर ये लिखा है, अगर यहाँ पे सेम तो लिखा है अवकलन कराएंगे वरना जीरो हो जाएगा, क्यों वाई वन वाई टू मानेंगे तब आपका आ जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा या फिर सर किया तो नहीं है, तो फिर देख लो 28 देख लो, पहले देखो 28 पहले देख लेते हैं क्या है, ओके फिर 29 भी देख लेते हैं। तो 28 में आपका एक्स पावर वाई दिया है, यहाँ पे दिया है, अगर इसको अगर हम मानना चाहें, अगर मान के करें तो ये दोनों तरीके से हो सकता है, मान करेंगे तो वाई वन बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, वाई वन बराबर एक्स की पावर वाई हो जाएगा, इसी प्रकार बेटा आप सामने देखेंगे फिर अब वाई की पावर एक्स हो जाएगा वाई टू, अब अगर इसमें रख दें तो ये हो जाएगा बेटा वाई वन प्लस वाई टू बराबर वन हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर यक्ष के सापेक्ष अवकलन करा देते हैं, यक्ष के सापेक्ष अवकलन तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे डी वाई वन अपॉन में डी एक्स प्लस डी वाई टू अपॉन में डी एक्स और ये वन का जीरो, ओके कोई कंफ्यूजन है, अगर इसे ही समीकरण आप एक मान लीजिए। अब आपने y1 किसको मानना है, पहले y1 को करा लीजिए, y1 मानना है आपने x की पावर y, तो यहाँ पे क्या लेंगे बेटा आप लॉग लेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा बेटा आपका लॉग y1 बराबर log x की पावर y। अब y आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा आपका log y1 बराबर y और ये हो जाएगा आपका log x, ठीक है। यहाँ पे करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन y1 dy अपॉन में dx y और फिर d अपॉन में dx और ये हो जाएगा बेटा log x, बीच में क्या लगाएंगे प्लस, ये हो जाएगा आपका log x, ओके और फिर d अपॉन में dx और ये आपका y, ओके। अगर इसका अवकलन कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन y1 dy अपॉन में 1 अपॉन y1, ये y1 का गुणा भी करा देना, ठीक है, ये y1 का गुणा यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा आपका डी वाई वन अपॉन में डी एक्स बराबर वाई वन, ठीक है। यहाँ पे आपका वाई का कुछ नहीं कराएंगे तो यहाँ पे वाई को ऐसे लिख देंगे, लॉग एक्स का कराएंगे तो वन अपॉन में एक्स आएगा, आगे आपका प्लस लगा, यहाँ पे लॉग एक्स को आप ऐसे लिख देंगे, क्या है आपका लॉग लॉग एक्स और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, ओके आगे आपका हो गया काम खत्म, ठीक है। अब y1 के मान को यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा बेटा dy1 अपॉन में dx बराबर y1 बराबर क्या है आपका x की पावर y, तो यहाँ पे लिख देंगे x की पावर y, ओके और यहाँ पे अंदर बच्चा y की पावर x और प्लस में log x और dy अपॉन में dx बचा। अब इसी प्रकार आप लोग y2 को कर लेंगे, y2 बराबर क्या है, y2 बराबर है आपका y की पावर x, ओके यहाँ पर भी x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे,
यक्ष के सापेक्ष, अच्छा हाँ पहले लॉग ले लें, तो दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर क्या लेंगे, लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका लॉग वाई टू बराबर लॉग वाई की पावर एक्स। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका एक्स आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग वाई टू बराबर एक्स लॉग वाई, ठीक है। अब यक्ष के सापेक्ष अवकलन करा देंगे, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन वाई टू डी वाई टू अपॉन में डी एक्स बराबर यक्ष डी अपॉन में डी एक्स और ये लॉग वाई प्लस लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे लॉग वाई और आगे डी अपॉन डी एक्स यक्स, ओके ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कंफ्यूजन, बोलिए। नहीं बोला नहीं आता क्या? नहीं आ रहा सर। क्या नहीं आ रहा? तो कंफ्यूजन नहीं, ऐसे बोला जाता कम से कम बोलना तो अच्छे से सीखा करो। नहीं हमने क्या बेटा आपसे बोला था कंफ्यूज, पर ये ऐसे बोला जाता है, यही सीखा है, बस यही आप लोगों ने सीखा बोलना है। आप देखो यहाँ पे y2 का कितने गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका dy2 अपॉन में dx y2, ठीक है ओके। x को आप ऐसे लिख देंगे log y का कराएंगे तो 1 अपॉन y, ओके प्लस लिखा है प्लस लगा देंगे, अच्छा हाँ y का कराएंगे फिर से क्योंकि तो y का भी कराएंगे तो dy अपॉन dx होगा, प्लस लगा देंगे लॉग वाई को ऐसे लिख देंगे, यक्स का कराएंगे तो वन हो जाएगा और वाई टू के इस मान को यहाँ पे रख देना है तो डी वाई टू अपॉन डी एक्स बराबर वाई टू बराबर, देखो बेटा क्या दिया है आपका वाई टू बराबर आपने वाई की पावर एक्स माना है तो यहाँ पे हो जाएगा वाई की पावर यक्स और यक्स अपॉन वाई और ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे समीकरण कौन सा मान लेना है आपको, इसे आप समीकरण एक मान लेते इसको पहले तो दो मान लीजिए और फिर इसे आप समीकरण तीन मान लेंगे, ठीक है। पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए जी, क्या हो बेटा नहीं हाँ आगे भी सॉल्व होगा, पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए थोड़ी सी जगह बोर्ड पे बन जाए फिर करते हैं सॉल्व, ठीक पहले नोट कर लीजिए, ठीक है आप नोट कर लीजिए ओके बेटा। इसलिए देखते हैं अभी इसके आगे का, ठीक है। देखो आगे आप क्या करेंगे, क्या करते हैं समीकरण दो और समीकरण तीन के मान को समीकरण एक में रखना रहता है तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण समीकरण दो व समीकरण तीन का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है रखने पर, ये जो आपका सफर नोट हो गया होगा रखने पर, देखो सब लोग नोट बेटा जरूर कर लेना, ठीक है। आप देखो क्या करना है, समीकरण एक था क्या आपका, ये लिखे थे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर था आपका, नहीं 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 ये नहीं था, ये था आपका डी वाई वन अपॉन में डी एक्स प्लस का डी वाई टू अपॉन में डी एक्स इक्वल जीरो, ये समीकरण एक था, ठीक है यही तो समीकरण एक था आपका, इसी में रखना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना निकला, ये निकला है क्या निकला है, पहले देखो निकला है एक्स की पावर वाई y की पावर x, ओके और आगे लिखा है प्लस का log x dy अपॉन में dx और प्लस, ये आपका प्लस लिखा है, ठीक है। आप यहाँ पे पूरा मान रख देंगे कितना है आपका, ये है y प्लस लिखेंगे y की पावर x और अंदर लिखा है x की पावर x अपॉन y dy अपॉन में dx प्लस लॉग वाई, ये आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है कितना लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको रख कर देते हैं, सबका नोट तो हो ही चुका होगा, हो गया ना तो सब बच्चे, इसका नोट नहीं हो बच्चे इसकी थोड़ा जरूर लेंगे, ठीक है इसके बाद चाहे नोट कर लेना, ला तो वीडियो को आप लोग रोक के नोट कर लिया करिए, ठीक है फिर आगे देखा करिए, ओके अब आगे देखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अंदर गुणा करा देंगे, जब गुणा कराएंगे तो देखो क्या आएगा यहाँ पे वाई एक्स की पावर वाई अपॉन एक्स, यही आएगा यहाँ पे गुणा कराएंगे प्लस है, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो x की पावर y log x और ये आपका आ जाएगा d अपॉन dx, प्लस लगाएंगे गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू y की पावर x नीचे y है और ये आपका dy अपॉन में dx, आगे बेटा यहाँ पे जीरो दिया हुआ ये वाला भी नोट करेंगे,
ओके आप देखो प्लस में यहाँ पर भी गुणा कराएंगे तो y की पावर x और ये log y इक्वल में क्या दिया है आपका जीरो। अब y dy upon dx जो यहाँ पे निकालना क्या है आपको यहाँ पर dy upon dx निकालना है तो dy upon dx एक तरफ रखो और जो बिना dy upon dx है उनको एक तरफ रखो, पहले इतना कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर dy upon dx है इसको यही रखा रहेंगे तो क्या है आपका x की पावर y log ex और ये dy upon dx यही लिख रहे हैं। और इस वाले को उधर भेज देते हैं नहीं ये भी तो आपका dy upon dx इसमें भी रखा रहेंगे देते हैं ठीक है। क्या है आपका x y की पावर x d upon dx ये नीचे पा इसको यही रखा रहेंगे देते हैं ठीक है बराबर। आप देखो क्या करना है आपको dy upon dx अब क्या करना है इस वाले को dy upon dx। अब देखो ये है जो इसको उधर ले जाएंगे आप प्लस का तो काय का हो जाएगा माइनस का y x की पावर y नीचे लिखा है x ओके। फिर इस वाले को भी ले जाएंगे ये भी माइनस में रहेगा ठीक है तो ये हो जाएगा y की पावर x और ये बेटा आपका log y। अब देखो यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे dy upon dx कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी है ठीक। तो जब dy upon dx कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर xy और ये log ex बचेगा प्लस यहाँ पे y है ये ऊपर जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा जो है जो आपका जो लिखा गया है यहाँ पे x into y की पावर x नीचे y लिखा है ये ऊपर जाएगा तो x into y की पावर x into y की पावर माइनस वन हो जाएगा ना ऊपर जाएगा। अब y y का जो गुणा कराएंगे तो x into y की पावर x माइनस वन हो जाएगा यानी जब y की पावर x है इसकी पावर माइनस वन ऊपर जाए ये नीचे प्लस वन ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे x ठीक है x और इंटू में y की पावर x माइनस वन ओके और ये आपका बाहर हो गया dy upon में dx। आगे देखो यहाँ से सबसे पहले माइनस को कॉमन कर लो अंदर देखो क्या बचा यहाँ पर भी देखो इसी अकॉर्डिंग x ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा y x की पावर y माइनस वन यहाँ पर माइनस बाहर लिया अंदर बचा प्लस y की पावर x और ये log y ओके। अब देखो dy upon dx निकालना तो ये जाएगा बेटा dy upon dx जी बेटा एलसीएम लेंगे कौन ये वाला एलसीएम क्यों लेंगे यहाँ पे ऊपर भेज दिए तो बचे नहीं हो नहीं तो इसका पूरे का बटे हो जाएगा ना जब एलसीएम देखेंगे अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो पूरे का अपॉन हो जाएगा तो भेजने का कोई वही मकसद ही नहीं बनता है फिर आपका ऐसा नहीं बिना अगर आप एलसीएम लेके करोगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा आएगा जरूर ठीक है बाकी आपका सही रहेगा कि गलत नहीं है सही रहेगा क्योंकि आप आउटलाइन की विधि अगर सही है तो सवाल सही है आंसर डिफरेंट हो सकता है और आंसर डिफरेंट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपके कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और आउटलाइन कर रहे हैं आउटलाइन के अकॉर्डिंग सवाल करेंगे तो सही है। आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते थे तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर भी एलसीएम ले सकते थे ठीक तो भी आपका वही होता वाई वाई का गुणा होता है यहाँ पे ठीक। आप देखो यहाँ पे dy upon dx ये ऊपर रहेगा माइनस का y x y माइनस वन और प्लस ये आपका है y की पावर x log y ऐसे लिख देंगे। नीचे देखो नीचे ये पूरा गुणांक नीचे आएगा ये तो होता है तो ये हो जाएगा x की पावर y और ये log x और प्लस x इंटू वाई x माइनस वन ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा 28 का आंसर। बताइए यहाँ तक इस सवाल में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत अच्छा इस सवाल को हमने बताया आप बताओ इस सवाल को हम बताएं या आप लोग करके लाएंगे जल्दी बताइए कर लेंगे अच्छा कौन चाहता है बताएं कौन चाहता है कर लेंगे क्या चाहते हो हाथ खड़ा कर दे चाहते कि हमने विकल्प दिया अभी नहीं दिया विकल्प है आपका पहले है ए विकल्प में है आप जो बच्चे कर लेंगे वहां खड़ा करें ठीक ओके तो ना कर पाएंगे मतलब कुछ संख्या ना करने वालों के भी है ठीक है तो फिर बता देते हैं पहले आप इसे नोट कर लीजिए ठीक है जल्दी से नोट कर लीजिए तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था आइए आप आइए
इसको बताइए आपने आंसर किया ना, तो आइए बताइए, आइए जल्दी से आइए। ओके बेटा चलिए देखते हैं। ये सवाल जो है बहुत अच्छी बात है, जो बोर्ड पे आके और यहाँ पे सवाल बताना एक अलग बात है, ठीक है, वहां पे कॉपी लगाना एक अलग बात है, ठीक है भाई। आप बोर्ड पे जो मार्कर पकड़ के जो सवाल लगाते हैं ना, तो मन में क्या क्या उत्पन्न होता है, क्या क्यों कोमल, क्या क्या हो रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा क्या क्या हो रहा था, ठीक है, हो रहा था ना सबके अंदर एक होता है यहाँ पे बोर्ड। अगर ये हिम्मत रख के अगर बच्चा यहाँ पे अगर जो सवाल बता रहा है, जो बच्चा यहाँ आके सवाल बोर्ड पे लगा रहा है, वो सवाल चाहे दोबारा पढ़े या ना पढ़े लेकिन एग्जाम टाइम में वो कर देगा सवाल। यहाँ पर बताते समय पूरा माइंड उस बच्चे का उस सवाल में ही चलता है। आप लोग भले बातें करने लगो, अगर बच्चा यहाँ बोर्ड पे लगा रहा था तो वो बच्चा आपकी बातें बिल्कुल नहीं सुन रहा था, ये कन्फर्म है। सुन रही थी हम लोग क्या बोल रहे थे, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप सवाल में पूरा माइंड था ना, तो ये सवाल अब आप कभी भूल नहीं सकते हैं, ये कंफर्म है, ठीक है। तो देखो कोमल ने क्या किया है, ये y की पावर x तो x पावर y लिखा था, दोनों तरफ लॉग ले लिया है, और लॉग लेने के बाद जब लॉग ले लिया है तो लॉग में फार्मूला के अकॉर्डिंग आप x आ गया जाता है, तो इसमें y आगे आ गया, ठीक है, इसमें भी प्रथम द्वितीय लगेगा और इसमें भी प्रथम द्वितीय लगेगा, अवकलन कर दिया है, तो प्रथम द्वितीय का फार्मूला यहाँ पे लगा दिया गया है। फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर एक्स का नहीं कराएगा, इसका लॉग का कराएगा तो 1/y आया, फिर वाई का कराया तो dy/dx आया, फिर आगे देखो इस बार लॉग वाई का नहीं कराएंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग हुआ है सवाल, ठीक, फिर dy/dx का 1 होता है, ये गुणे में आपका यहाँ पे 1 लिखा है, ओके, फिर वाई को ऐसे लिख दिया है, लॉग एक्स का कराया तो 1/x आया है, प्लस log x का कराया है नहीं जाता है ऐसे लिख देते हैं, फार्मूला होता है, ओके, और d/x को y का कराया है तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, ओके, आगे देखो क्या किया है, आगे क्या किया है उन्होंने dy/dx को जब इन्होंने बताया था एक तरफ ले लिया है, इधर क्या किया, इस बराबर की जगह पे dy/dx देखो है, इसको ऐसे लिख दिया x का गुणा करा के, और इधर जो आपका dy/dx इधर ले आए हैं तो इधर प्लस का, इधर का गायब हो गया माइनस का, और ये आपका जो यहाँ पे लिखा है इसको ये लिखा है, ये वाला उधर गया तो माइनस का हो गया। अब dy/dx को कॉमन ले लिया है, कॉमन लिया उसके बाद dy/dx गुणांक हमेशा नीचे चला जाता है, तो ये गुणांक इसके नीचे आया है, तो यहाँ पे आया है, और यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा डायरेक्ट किया, क्या किया है, एलसीएम लिया, यानी सवाल बहुत अच्छे से इनको आ रहा है, अगर स्टेप को डायरेक्ट कर रही है तो ये सवाल बहुत अच्छे से आ रहा था, ठीक है, ओके, फिर पांच दूर गुणा करा दिया गया है, पांच दूर गुणा कराना आता है ना, वाई का इसमें करा दिया, एक्स का इसमें करा दिया, ओके, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, तो सभी बच्चे ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करते रहेंगे, तो ओके, फिर आप इसे नोट कर लीजिए जिन बच्चों को नहीं आया। ओके बेटा चलिए देखते हैं सवाल नंबर 30, ठीक है, देखो 30 में क्या लिखा हुआ है, वाई बराबर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छा लॉग लो, अपॉन की चीज माइनस में कर दो, यानी बटे की चीज, जो कैसे करना है, दोनों लॉग ले लेंगे, पहले लॉग लेंगे दोनों, और लॉग लेने पर ठीक है, लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा आपका बेटा लॉग वाई बराबर लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर रूट में एक्स माइनस वन नीचे एक्स प्लस फोर का क्यूब इंटू ए की पावर एक्स हो जाएगा। जो चीज आपकी जो चीज क्या हुआ बैटरी अच्छे कैमरे कोई बात नहीं, अभी ये सॉल्व हो जाएगा, लास्ट सवाल है, लास्ट क्लास ही हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर अब जो चीज बटे में क्या हो जाएगी माइनस में, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका लॉग वाई बराबर लॉग ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज और बताए, जो चीज बुरे में होती है में हो जाती है प्लस में, तो यहाँ पर प्लस भी लगा के लॉग, और जो रूट में लिखा है वन माइनस एक्स भी लिख सकते हैं आगे, ये माइनस क्या वो एक्स माइनस वन, हाँ
एक्स माइनस। आगे ये अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा बेटा आपका लॉग एक्स प्लस फोर का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या है घुड़े में है तो काय में लिखेंगे प्लस में, लेकिन बाहर काय का निशान लगा है माइनस का पूरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का लॉग e की पावर हो जाएगा। ओके आप करा देंगे इसका अवकलन, एक और इसके बीच में सॉल्व कर लीजिए लॉग y बराबर ये दो जो पावर में लिखा है, देखिए ये जो पावर है लॉग m अपॉन n वाला फॉर्मूला तीन आगे आ जाएगा, तो ये जाएगा बेटा तीन लॉग x प्लस वन ओके प्लस लॉग, वैसे इसको रूट में है एक बच्चे दो लिख सकते थे, देखिए रूट में है इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं इसकी पावर एक बटे दो, रूट का मतलब होता है आधा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो इसकी भी पावर एक बटे दो क्या हो जाएगी बेटा आगे आ जाएगी, आ जाएगी आपका क्या बचेगा लॉग एक्स माइनस आगे इसकी पावर तीन है, इसकी पावर तीन आगे आ जाएगी, जाएगा लॉग एक्स प्लस फोर माइनस आपका लॉग एक्स लिखा। अब इसका एक्स के सापेक्ष, इसके एक्स के सापेक्ष अवकलन करा देंगे, ठीक है, तो लॉग वाई का कराएंगे तो क्या हो जाएगा वन अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में तीन को बाहर लेंगे, लॉग का कराएंगे वन अपॉन एक्स प्लस वन ओके, आगे प्लस एक बटे दो लॉग का कराएंगे तो एक्स माइनस वन आएगा यही, आगे माइनस तीन लॉग का कराएंगे तो एक्स प्लस नहीं प्लस फोर ओके, माइनस लॉग एक्स का कराएंगे तो ई की पावर एक्स है, लॉग एक्स कराएंगे लॉग एक्स का कराएंगे पहले वन अपॉन ई एक्स आएगा बेटा फिर ई एक्स का कराएंगे, तो इस अकॉर्डिंग ये आपका इतना कर जाएगा ठीक है। वाई का कितने गुणा करा देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई, अंदर देखो क्या बचेगा, देखो अंदर बचेगा आपका क्या बचेगा तीन बटे एक्स प्लस वन ओके, और यहाँ बचेगा वन अपॉन टू एक्स प्लस वन बेटा, और यहाँ बचेगा माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, और यहाँ बचेगा माइनस होगा हाँ जी कहाँ पे, अच्छा ये मैथ माइनस वन है कहाँ पे फर्स्ट वाला ये दो आगे, अच्छा ये दो है ओके, यहाँ पे बेटा दो है तो आपका दो आएगा पावर में दो है, ये आपका दो है तो अकॉर्डिंग ये आपका यहाँ पे दो है ओके। अब देखो क्या करना है आपको, ये y का जो मान है y का मान क्या है ये पूरा रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y बराबर क्या है आपका x प्लस वन का होल स्क्वायर रूट में x माइनस वन, नीचे क्या है x प्लस फोर का क्यूब इंटू e की पावर, अंदर जो लिखा वही लिख दो, दो एक्स प्लस वन प्लस एक बटे दो एक्स माइनस वन माइनस तीन एक्स प्लस फोर माइनस वन, ठीक है यही आपका हो जाएगा आंसर सवाल नंबर तीस का, ठीक है बताइए सवाल में किसी बच्चे को कोई भी डाउट थोड़ा बहुत ज्यादा कोई डाउट तो ओके बेटा आप लोग इसे नोट कर लीजिए ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं कि कल की क्लास में 31 नंबर के सवाल के साथ, तो सभी बच्चे कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी ठीक है, तो ओके बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, जय हिंद।